विक्रम संवत 2005, सन 1948-49, प्रथम बार कुमारिका बहिनों द्वारा ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा अंगीकार वर्ष। कार्तिक माह की अष्टानिका के दौरान त्रयोदशी के शुभ दिन स्वर्णपुरी में एक अपूर्व भव्य प्रसंग बनता है। स्वानुभव से समृद्ध गुरुदेव श्री ब्रह्मचर्य के रंग से रंगे हुए सत्पुरुष हैं। आप श्री स्वयं कठोर शील का पालन करते हैं और अन्य से भी उसका आग्रह रखते हैं, इसलिए रात्रि के कार्यक्रमों में मात्र पुरुष ही भाग लेते हैं। आप श्री के ऐसे ब्रह्मचर्य के आदर्श गुण से प्रेरित होकर तथा चैतन्य स्पर्शी अध्यात्म उपदेश और ज्ञान वैराग्यमय जीवन से प्रभावित होकर निज जीवन में भेद ज्ञान के संस्कारों का सिंचन करके आत्महित करने, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने और ज्ञानी संतों की कल्प वृक्ष समान शीतल छाया में निरंतर निवृत्तिमय जीवन जीने के लिए छह कुमारिका बहिने आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा धारण करती हैं। प्रचुर भौतिक विलास के इस युग में जब जीव सुख के लिए इंद्रिय विषयों के पीछे दौड़ते हैं, तब असंगी चैतन्य के मंथन से वैराग्य प्रकट होना वह ज्ञान वैराग्य पोषक सुमेघ गुरुदेव श्री की अनुपम प्रभावना का फल है। जो भक्तों के जीवन को ज्ञान वैराग्य के जल से सींच रहे हैं और जीवन गढ़ रहे हैं, ऐसे समय सार युग प्रवर्तक गुरुदेव श्री की प्रवचन वाणी का लाभ लेने वाली और पूज्य बहिन श्री बेन की मंगल छाया में वर्षों से रहने वाली छह कुमारिका बहिने अन्य के संग में जो अशक्य है और धर्मात्मा के चरण शरण में सुगम है, ऐसे आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा आज एक साथ भक्त जीवन शिल्पी गुरुदेव श्री के समक्ष अंगीकार करती हैं। तत्व ज्ञान के बल से तथा उसमें ही आगे बढ़ने की भावना से यह प्रतिज्ञा ली जाती है। इस प्रसंग को मुमुक्षु समाज विशिष्ट उत्साह से मनाता है। अभी तक कुमार भाइयों तथा बहुत से दंपति आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते ही थे। आज प्रथम बार कुमारिका बहिनें चौथा व्रत धारण करती हैं। वे ऐसी भावना भाती हैं कि हमें गुरु चरणों का यह लाभ हो कि जिससे आत्मा की प्राप्ति हो, आत्मसन्मुक्ता हो। अहो, जब जैन धर्म के नाम से बाह्य प्रवृत्तियां चल रही थीं, जैनों को अजैन पने का उपदेश दिया जा रहा था, वीतराग मार्ग में गृहीत मिथ्यात्व का पोषण हो रहा था, अर्थात मोक्ष मार्ग सुषुप्त और लुप्त हो रहा था, तब भव्य भक्तों के भाग्य से तथा पंचम काल के अंत तक धर्म टिकने वाला है, इसलिए शुद्धात्म साधनामय जीवन जीने वाले गुरुदेव श्री मिले। आप श्री के प्रताप से अभी हजारों लोग आप श्री की कल्याणकारी वाणी का लाभ ले रहे हैं। आरंभ हुई धर्म की पेढ़ी अब जमती जा रही है और उसके मीठे मधुर सुखमय फल भी मिलने लगे हैं। पौष कृष्ण अष्टमी, सीमंदर प्रभु के अपूर्व संदेश भरत में लाने वाले कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंद कुंदाचार्य के आचार्य पद आरोहण का आज पवित्र दिन है। सोनगढ़ में प्रतिवर्ष यह आनंदकारी दिन अति उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। आज इस पर्व के उपरांत परमागम श्री समय सार जी पर समय सार रहस्य उद्घाटक गुरुवर के आठवीं बार के प्रवचन पूर्ण होने का प्रसंग भी है। जैसे मुनिवरों में श्री कुंद कुंदाचार्य अग्रस्थान पर हैं, प्रमुख मुख्य हैं, वैसे ही जैन परमागमों में श्री समय सार जी अग्रस्थान पर है। इस परमागम पर आठवीं बार के प्रवचन विक्रम संवत 2002 में ज्ञान के दिन श्रुत पंचमी पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को शुरू हुए थे और आज विक्रम संवत 2005 के चारित्र के दिन श्री कुंद कुंद देव के आचार्य पद आरोहण पर्व पौष कृष्ण अष्टमी को पूर्ण होते हैं। यह अंतिम प्रवचन पूर्ण करते हुए अनुभव रस पूर्ण वाणी बरसाने वाले गुरुराज फरमाते हैं, हे जीवों, अंदर में स्थिर हो, स्थिर हो। अनंत महिमावंत शुद्धात्म स्वभाव का आज ही अनुभव करो। इस प्रकार स्वानुभूति की अनुपम अद्भुत प्रेरणा प्रदान करके आगे कहते हैं, इस समय सार के वांचन की शुरुआत श्रुत पंचमी के दिन हुई थी।
और पूर्णता आचार्य पदवी के दिन होती है। श्रुत पंचमी ज्ञान का दिन है और आचार्य पदवी में चारित्र है, इसलिए ज्ञान से शुरुआत हुई है वह आगे बढ़कर चारित्र दशा प्राप्त करके केवल ज्ञान तक पहुंचकर पूर्ण होगी। बोलो समय सार भगवान की जय हो। इस प्रकार जब गुरुदेव श्री स्वयं की आराधना की पूर्णता के करार पूर्वक समय सार जी की पूर्णता करते हैं और जय बुलाते हैं, तब समस्त श्रोता जन भी अति हर्षोल्लास और भक्तिभाव सहित वह जयकार झेल लेते हैं। सदधर्म प्रभावक दुंदुभि मंडल के वाद्य भी मंगल ध्वनि से उसमें साथ देते हैं। यह है आत्मार्थता को प्रकट एवं पोषण करने वाले गुरुवर के जीवन में घटित ग्रंथाधिराज श्री समय सारजी के प्रति अगाध अमाप आश्चर्यकारी महिमा के अनेक प्रसंगों का एक नमूना। अहो, सागर समान गंभीर समय सारजी के अनुपम रहस्य को आठ आठ बार सुनाकर अकारण करुणा के सागर गुरुवर कहान मुमुक्षु जिज्ञासु समाज पर महान उपकार कर रहे हैं। भक्तों के सद्भाग्य से ही इस वाणी की वर्षा हो रही है। कुछ वर्षों पूर्व इस सौराष्ट्र की भूमि में शायद ही किसी ने समय सारजी का नाम भी सुना होगा, परंतु आज ऐसा योग बना है कि प्रत्येक जैन उसे जानता है। इस काल में इस क्षेत्र में आत्महित के कारणभूत ऐसी देशना लब्धि अर्थात गुरुदेव श्री के प्रवचन अनुभव भावों से सुशोभित आत्मिक वीर्य को उछालने वाले और वैराग्य रस को बहाने वाले समय सार प्रवचन आत्मार्थी के हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। अध्यात्म मस्ती से बजाई जाती यह प्रवचन वीणा सुनते हुए श्रोताजन एक तान हो जाते हैं और अनेक वर्षों से एक धारा श्रवण करने पर भी किसी को कभी उकताहट नहीं आती, अब तू बारंबार सुनने की जिज्ञासा रहा करती है। भाव समय सार अर्थात शुद्धात्मा और द्रव्य समय सार अर्थात ग्रंथाधिराज शास्त्र, इन दोनों के अंतर मंथन द्वारा स्वानुभूति अमृत का पान स्वयं गुरुदेव श्री ने किया है, कर रहे हैं और भक्तों को भी करा रहे हैं। जैसे जैसे पुनः पुनः समय सार पढ़ा जाता है वैसे वैसे उसमें भरे हुए सूक्ष्म न्याय प्रकाश में आते हैं, और जैसे जैसे सूक्ष्म न्याय समझ में आते हैं वैसे वैसे श्रोताओं का उपयोग अधिक से अधिक निर्मल स्पष्ट होता है, अंतर में आनंद तरंग उछलने लगती हैं। आज भक्त भावना भाते हैं। जिस प्रकार दिव्य मूर्ति गुरुराज ने आठ बार समय सार समझाकर भक्तों को निहाल किया है, उसी प्रकार आगे भी अनेक बार इस परमागम के गहन भावों को प्रकाशित करके हमारे आत्म जीवन को उज्ज्वल करें, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। अंबार छलकाय जय गुरुवाणी
चरणों मा रहिए सदाय जय गुरुवाणी हो तारा चरणों मा रहिए सदाय जय गुरुवाणी हो सुनो कान गुरु निवाण चैतन्य जल कावन हा 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 माघ शुक्ल नवमी सोनगढ़ के पश्चात सर्वप्रथम बार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग में जिनके प्रताप से जिन शासन की जय जयकार हो रही है ऐसे वीतराग मार्ग प्रणेता कहान गुरुवर का धर्मोद्योतकारी मंगल विहार सौराष्ट्र में होता है।
प्रथम दिन पद विहार करते करते धारूका गांव पधारते हैं। यहां तथा अन्य गांवों में पद्मनंदी पंचविंशति के सद्बोध चंद्रोदय अधिकार पर प्रवचन होते हैं। दूसरे दिन जन्म नगरी उमराला में पदार्पण होता है। जन्मजात असाधारण प्रतिभा के स्वामी ऐसे भावी तीर्थादिनाथ के चरण से स्पर्शित इस भूमि के रजगण मानो की गौरव का अनुभव करते हो ऐसा लगता है। हमारे गांव के संत हमारे आंगन पधारे हैं, ऐसे भक्ति उल्लास से समस्त ग्रामजन स्वागत करते हैं। स्वागत यात्रा के पश्चात उमराला के संत मांगलिक सुनाते हैं। दोपहर को प्रवचन होता है। जैसे ज्ञानी का अशुभ राग सम्यक दर्शन को बाधक नहीं, वैसे उसका शुभ राग सम्यक दर्शन को सहायक नहीं। जो अपनी आत्मा का आश्रय करता है वही भगवान की वाणी समझा है। वीतराग के भक्त को राग का आदर नहीं होता। सत्पुरुष से सत की रुचि पूर्वक सत का श्रवण एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए और तभी सत का परिणमन होता है। हे भाई, तुझे आत्म कल्याण की भावना है परंतु तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए आत्मा प्राप्त नहीं होता। अरे चैतन्य, तुझे निज अनुभव के बिना जीवन कैसे रुचता है? आत्मा में अभेद हो वही सच्चा ज्ञान है। समझ ही धर्म है और अज्ञान ही संसार है। स्वतंत्र स्वाधीन स्वभाव की निशंकता आए बिना स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। माघ शुक्ल एकादशी सवेरे बैंड बाजों सहित भक्ति करते करते भक्त गुरु जन्म स्थान में आते हैं। 9 से 10 घंटे यहाँ भक्तिभाव का सागर ऐसा उछलता है कि गांव के मुखिया जी भी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। जन्मोत्सव संबंधी भक्ति के बाद गुरुचरण से पावन जन्म स्थान में जन्म धाम बनाने का निर्णय होता है। दोपहर में प्रवचन और रात्रि में तत्व चर्चा होती है। अपने गांव के कांजी को सुनने पूरा गांव उमड़ता है। माघ शुक्ल द्वादशी उमराला में जिन्हें ओम ध्वनि आई थी वे ऊजम्बा नंदन समय सार कलश 32 का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, आचार्य देव सबको सपरिवार निमंत्रण देते हैं कि आनंद कंद आत्मा में सभी जीव स्थिर हो जाओ, डूब जाओ, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ सार नहीं है। समझ पर वजन देते हुए श्रेष्ठी मोती चंद भाई के कुंवर कहते हैं, जैसे कुल्हाड़े से कपड़े नहीं धुलते अपितु फट जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा की सच्ची समझ के बिना शरीर आदि की क्रिया से धर्म नहीं होता परंतु अधर्म होता है। माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन भी उमराला नगरी में जन्म लेने वाले उमराला के महात्मा उमराला में विराजते हैं। इस प्रकार माघ शुक्ल दशमी से त्रयोदशी ऐसे 4 दिन जन्म नगरी में विराजकर माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन दड़वा होकर उजलवाव पधारते हैं। जिस जिस गांव में ज्ञान रस में सराबोर गुरुवर्य पधारते हैं उस गांव में दोपहर के 3 से 4 बजे तक पद्मनंदी पंचविंशति पर प्रवचन होते हैं और उन्हें सुनने के लिए किसान अपना काम बंद रखते हैं। प्रतिदिन रात्रि तत्व चर्चा के दौरान जिज्ञासुओं की शंका का समाधान भी होता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा लाखन का गांव में पदार्पण होने पर गांव के मुखिया दरबार भी भक्तिभाव और प्रेम व्यक्त करते हैं। ग्रामीण जन उत्साह से गांव का श्रृंगार करके स्वागत करते हैं और प्रवचन का लाभ लेते हैं। फाल्गुन कृष्ण एकम पूर्वजों का मूल गांव गढ़दा जाते हुए बीच में अड़ताला के धर्म जिज्ञासुओं द्वारा विनती करने से मांगलिक सुनाकर गढ़दा पधारते हैं। यहाँ स्थापित मुमुक्षु मंडल अति भक्ति से स्वागत करता है और मंगलमय गुरुदेव अर्थ सहित मांगलिक फरमाते हैं। दोपहर के प्रवचन में विशिष्ट रूप से शिक्षित वर्ग की उपस्थिति विशेष ज्ञात होती है। यहाँ 2 दिन रुकना होता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को उगामेड़ी और पंचमी को गोरड़ का पधारते हैं। यह छोटा सा गाँव होने पर भी यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय होता है। फाल्गुन कृष्ण षष्ठी नागलपर की ओर विहार करते हुए बीच में टाटम गांव आता है।
भक्तों की विनती से यहाँ मांगलिक सुनाते हैं। दोपहर को नागलपर में प्रवचन धारा प्रवाहित होती है। पूर्ण स्वभाव का आश्रय ही पूर्णता प्राप्त करने का उपाय है। अज्ञानी बाह्य त्यागी होने पर भी अधर्मी है और ज्ञानी गृहस्थ दशा में होने पर भी धर्मी है। जैन शासन अर्थात स्वाश्रय वीतरागता समझने के लिए सदा ही मांगलिक काल है। राग भाव कभी भी कर्तव्य नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की भावना करो और संसार के अभाव के लिए मिथ्यात्व का वमन करो। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान बढ़ता है और अज्ञानी को निरंतर विकार बढ़ता है। सत का आदर और अज्ञान का त्याग ही सर्वप्रथम धर्म है। अंतर से सत के स्वीकार बिना धर्म समझ में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि का भव बिगड़ता नहीं और बढ़ता भी नहीं। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी से दशमी ऐसे चार दिन के लिए बोटाद आगमन होने पर भक्त मंडल भव्य स्वागत करता है। यहाँ दोपहर में प्रवचन और प्रातः रात्रि में तत्व चर्चा होती है, जिसका बहुत जिज्ञासु लाभ लेते हैं। एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, सम्यक दर्शन तो जब चाहे तब हो सकता है ना? समाधान, जिज्ञासु को ऐसा होना चाहिए कि चाहे जब नहीं परंतु मुझे अभी ही सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। जिसे जिसकी रुचि हो उसे वर्तमान में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करे। अंतिम दिन एक मुमुक्षु दंपति के ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा अंगीकार करने के प्रसंग पर मोक्ष माला के 34वें पाठ ब्रह्मचर्य सुभाषित पर व्याख्यान होता है। ऐसे प्रसंगों पर भवांतकारी आत्म साधना साधने वाले गुरुवर बहुत बार फरमाते हैं, वास्तविक ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मानंद ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भान करके उसमें चरना रमणता करना है। बाह्य विषय भोग तो अनंत बार भोगे हैं परंतु उनमें सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में है, इसलिए विषय भोगों में सुख है। ऐसी बुद्धि छोड़कर आत्मा की समझ का प्रयत्न करना चाहिए। संसार विष वृक्ष को क्षण मात्र में क्षय कराने वाले गुरुदेव श्री का आगमन फाल्गुन कृष्ण एकादशी को भद्रावड़ी और दूसरे दिन सर्वा गांव में होता है। यहां विक्रम संवत 1972 में केवल ज्ञान तथा पुरुषार्थ संबंधी चर्चा हुई थी। आज भी उस संबंधी बात निकलने पर आराधना मूर्ति गुरुराज उल्लास पूर्वक कहते हैं, पुरुषार्थी जीव के अनंत भव नहीं होते और केवली भगवान ने भी नहीं देखे। जिसे भव रहित आत्मा की श्रद्धा हुई उसे अनंत भव होते ही नहीं। जिसे भव रहित केवली की प्रतीति हुई उसके अनंत भव भगवान ने देखे ही नहीं। मोक्ष के लिए जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता, ऐसी बात जगत के किसी भी जीव को कभी भी सुनने में न आए। वाह, क्या पुरुषार्थ मूर्ति की पुरुषार्थ प्रेरक बात। शांत रसमय पुरुषार्थ द्वारा साधना मार्ग में प्रबल रीति से आगे बढ़ते हुए गुरुवर्य की वाणी का एक शब्द भी पात्र जीव के लिए तो अमूल्य है। जैसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा का एक बिंदु सीप के मुख में मोती रूप परिणमित होता है, वैसे ही भेद विज्ञानी गुरुराज का एक शब्द वाक्य भी पात्र जीव की दृष्टि को आत्म प्राप्ति करा देता है। अहो, उस वाणी की और उसके वक्ता की क्या महिमा करना। वस्तुतः तो गुरुवाणी जिस शुद्धात्मा को दिखलाती है उस ज्ञायक भाव की महिमा महत्ता जिसे आती है उस आत्मार्थी को ही गुरुवाणी की वास्तविक महिमा महत्ता भासित होती है। महामूल्यवान भगवान आत्मा प्राप्त हुआ तो उसे बतलाने वाली वाणी और वक्ता भी मूल्यवान है, ऐसा भासित होता ही है ना। गुरुवर प्रतिदिन लगभग 5-7 मील पैदल चलकर विहार करते हैं। जिस गांव में आप श्री पधारते हैं वहां के किसान उत्सव जैसा मानकर उस दिन खेत पर नहीं जाते और अत्यंत उत्साह से प्रवचन सुनने आते हैं। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी आज छोटी सी वींचिया नगरी सुंदर कमान ध्वजा पताका तोरण आदि के श्रृंगार से स्वर्ग समान सुशोभित हो रही है। क्या कारण है? जिन मार्ग के परम प्रभावक धर्मचक्री गुरुवर कहान श्री जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग पर पदार्पण कर रहे हैं।
मात्र भक्त मुमुक्षुओं को ही नहीं समग्र जन सामान्य को भी आनंद उत्साह वर्त रहा है। अजोड़ रत्न गुरुदेव श्री के पधारने पर भव्य स्वागत होता है। आहा, जिस जिस नगर में गुरुराज का आगमन होता है उस प्रत्येक नगर में भक्तों की भक्ति उछल पड़ती है और भव्य अति भव्य अद्भुत स्वागत होता है। यह अनुपम प्रभावना उदय आत्मार्थियों को तीर्थंकर के साक्षात विहार काल का मंगल स्मरण कराता है तथा महासमर्थ आचार्यों सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद्राचार्य श्री अकलंक देव इत्यादि द्वारा भूतकाल में कैसी धर्म प्रभावना हुई होगी उसका अंदाज देती है। स्वागत यात्रा के पश्चात नवीन निर्मित जैन स्वाध्याय मंदिर में गुरुदेव श्री पधारते हैं और अर्थ सहित मांगलिक फरमाते हैं। यहाँ आकार प्राप्त स्वाध्याय मंदिर और जिन मंदिर हूबहू सोनगढ़ जैसा ही है, मानो कि उसका प्रतिबिंब। श्री जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अर्थात विश्व का सर्वोत्तम मांगलिक महोत्सव, यह संसारी जीवों की संख्या घटाकर मुक्त जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। इस महोत्सव का कार्यक्रम फाल्गुन शुक्ल एकम के दिन समवसरण विधान पूजा से शुरू होता है। कलकत्ता, इंदौर, अजमेर, कानपुर, भेलसा, मलकापुर, अंजड़, सिद्ध क्षेत्र, बावन गजा, चूलगिरी इत्यादि दूर दूर के नगरों से और सौराष्ट्र के सावरकुंडला, बोटाद, राणपुर, बड़वान, सुरेंद्रनगर, आंकड़िया, चोटीला इत्यादि गांव से भी कुल 42 प्रतिमाएं प्रतिष्ठा के लिए आती हैं। मानो कि विंचिया में जिनेन्द्र के झुंड उतरे, एक साथ इतने जिन बिंबों की प्रतिष्ठा का अवसर कौन जाने कब सौराष्ट्र में आया होगा। प्रतिष्ठा में विधि नायक श्री ऋषभ देव हैं और मूल नायक श्री चंद्र प्रभ यहाँ विराजमान होने वाले हैं। प्रतिष्ठा विधि कराने के लिए इंदौर से पंडित नाथूलाल जी आए हैं। महोत्सव के दौरान परमागम प्रवचन सार जी की गाथा 159-160 पर प्रवचन होते हैं। मन नहीं ते मन कारण नहीं करता न कारयिता न अनुमंता करता नो नहीं। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी सोमवार, आज श्री चंद्र प्रभ का निर्वाण कल्याणक दिन है और इसी उत्तम दिन पवित्र जिन मंदिर में मंगलमय श्री चंद्र प्रभ आदि भगवंतों की प्रतिष्ठा जिनेन्द्र भक्त गुरुदेव श्री अपने पावन हस्त से करते हैं, कैसा योगानुयोग। तत्पश्चात स्वाध्याय मंदिर में श्री समय सार जी की स्थापना ओमकार ध्वनि के संदेश सुनाने वाले गुरुराज के कर कमलों से होती है। जिन शासन प्रभावक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्ण होने के बाद भी चैत्र कृष्ण पंचमी तक गुरुवर्य यहीं विंचिया में विराजते हैं, फिर विहार करके छाशिया, सणोसरा, पियावा, चोटिला, कुवाडवा इत्यादि गांवों को पावन करते हैं। चोटिला के पास के मोलड़ी गांव का एक प्रसंग देखते हैं। एक भाई गांव के लोहार को कहते हैं, एक महाराज गांव में आए हैं। उपेक्षा भाव से लोहार कहता है, आए होंगे, ऐसे तो बहुत आते हैं। वह भाई फिर से कहते हैं, यह महाराज अर्थात गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते हैं कि लोहार हथौड़ा उठाता नहीं। लोहार आश्चर्यचकित हो जाता है। जगत से अत्यंत अलग बात किसे आश्चर्य नहीं कराएगी। इस विहार के दौरान छाशिया में श्रीमद राजचंद्र में से 100वें पत्र पर, सणोसरा में मोक्षमाला के पाठ 4 पर, पियावा में मोक्षमाला के पाठ 16 पर, चोटिला में पद्मनंदी पंचविंशति पर और कुवाडवा में भरतेश वैभव पर व्याख्यान होते हैं, जिसमें गांव के जैनेतर लोग भी समझ जाएं ऐसी सरल भाषा में गुरुदेव श्री आत्मा की समझ पर वजन देते हैं। चैत्र शुक्ल एकम, सौराष्ट्र की राजधानी राजकोट में आगमन होने पर उल्लासपूर्ण स्वागत होता है। यहां सदर में आए हुए आनंद कुंज में वैशाख शुक्ल अष्टमी तक विराजते हैं, जिस दौरान प्रवचन सार जी के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की 172वीं गाथा पर, जिसमें कि अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं, उस पर 30 प्रवचन होते हैं। कितने ही प्रवचनों की तो रिकॉर्डिंग होती है। पुरुषार्थ प्रेरक गुरुदेव श्री व्याख्यानों में मुख्य रूप से द्रव्य दृष्टि के जोर की और पर्याय की गौणता की बात करते हैं।
जबकि अलिंग ग्रहण के अंतिम 20वें बोल में पर्याय की बात है। पर्याय को आत्मा कहा है। इससे एक मुमुक्षु भाई को जिज्ञासा होती है कि गुरुदेव श्री इस बोल का अर्थ क्या करेंगे, और जब न्याय पूर्ण तथा समझ विवेक वाला अर्थ सुनते हैं कि वेदन में पर्याय ही आती है, द्रव्य नहीं, इसलिए वेदन अपेक्षा से पर्याय ही आत्मा है, तब वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई भी विषय हो, अनुभवी की अमृत वाणी जगत को आश्चर्य विस्मय कराए ऐसी ही होती है। एक बार स्वप्न आता है, उसमें कोई व्यक्ति जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करता है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की चाबी बताओ। उत्तर मिलता है, भाई उसकी चाबी यह है, आत्मज्ञान। पूरक प्रश्न होता है, वह किस प्रकार? समाधान रूप में गुरुदेव श्री एक गाथा कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि एक आत्मा को जानने से सब जानने में आ जाता है। श्रुत ज्ञान सूर्य गुरुराज के व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ जैन जैनेतर के उपरांत वकील डॉक्टर इत्यादि शिक्षित वर्ग का विशाल समुदाय उमड़ पड़ता है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, इस जीव ने अपने स्वभाव की प्रभुता उत्साह से सुनी भी नहीं और स्वीकारी भी नहीं, परंतु यदि वह अपने स्वभाव की प्रभुता पहचाने तो स्वयं प्रभु हुए बिना रहे ही नहीं। जब तक राग है तब तक ज्ञान भी भेद खंड रूप होता है और वाणी भी भेद खंड रूप होती है। पर्याय दृष्टि से संसार और द्रव्य दृष्टि से मुक्ति। स्वभाव के अतिरिक्त अन्य की ओर ज्ञान को ले जाना प्रपंच है। परमात्म शक्ति का विश्वास और आत्म स्वभाव का उल्लास लाओ। मुक्ति मार्ग में व्यवहार का ज्ञान होता है, परंतु आश्रय नहीं होता। जैन शासन निमित्त की उपेक्षा करने को कहता है। द्रव्य में से मोक्ष पर्याय आती है, इसलिए द्रव्य दृष्टि वाले को मोक्ष कब होगा, ऐसी मुक्त पर्याय प्रकट करने की भी आकुलता नहीं होती। द्रव्य दृष्टि हुई ऐसा कहो या क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय हुआ ऐसा कहो, दोनों का एक ही भाव है। द्रव्य दृष्टि के अपूर्व पुरुषार्थ बिना क्रमबद्ध पर्याय या केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं होती। जैन शासन का मूल रहस्य अकर्तापना है। अकर्तापना अर्थात क्या? कि द्रव्य पर्याय को भी नहीं करता, और ऐसा अकर्तापना मानना ही पुरुषार्थ है। यही वैशाख शुक्ल एकम दूज तृतीया ऐसे तीन दिन महासुख सागर प्राप्त करने का सम्यक मार्ग बतलाने वाले गुरुदेव श्री का मंगलकार 60वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाता है। इस आनंदकारी प्रसंग पर भक्त भावना भाते हैं। कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन का अपार माहात्म्य बतलाने वाले हे गुरुराज, आप श्री एक अजोड़ लोकोत्तर व्यक्ति हो, आप श्री जगत से अनोखे हो, और आप श्री की प्रवचन शैली भी अनोखी है। आप श्री मात्र आगम के आधार से ही नहीं, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव पूर्वक वस्तु स्वरूप को समझाते हो, और स्वानुभव कभी भी आगम से विरुद्ध होता ही नहीं। भव रहित आत्मा की अनुभूति के बिना भवनाशक सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट होंगे, और उस शुद्ध भूमिका के बिना चारित्र कैसे होगा? ऐसी तीन काल और तीन लोक में न बदले ऐसी तथा सर्व तीर्थंकरों अनुभवी पुरुषों द्वारा कथित अपूर्व बात सुनाकर आप श्री परम उपकार करते हो। आगम और आचार्यों की साक्षी सहित तथा अनुभव की वज्र मोहर के साथ आप श्री युक्ति से तत्व को स्पष्ट और सुंदर रीति से समझाकर भव भ्रमण नाशक परम कल्याणकारी लोकोत्तर धर्मयुग का पुनः प्रवर्तन कर रहे हो। आप श्री के उपदेश सागर की अमृत लहरें हम मुमुक्षु समाज को पावन करती हैं। आप श्री ने ही हमारे चैतन्य जीवन को गढ़ा है। हमारी परिणति में जो कुछ ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वभाव का आदर इत्यादि रूप सुंदरता है, वह सब ही आप श्री की ही कृपा है। हमारे श्रद्धा चारित्र जीवन के ज्ञान वैराग्य धारा के गढ़ने वाले निर्माता आप श्री ही हो। आप श्री के प्रत्यक्ष जीवन दर्शन और प्रवचन श्रवण द्वारा ही हमारा जीवन गढ़ा गया है। सागर का जल मेरु की ऊंचाई को किस प्रकार माप सकता है,
उसी प्रकार अनुपम उपकार करने वाले हे गुण मेरु गुरुदेव, आप श्री की महिमा गुण प्रशस्ति शब्दों से किस प्रकार हो सकती है। हे स्वरूप दान दातार दयानिधि, आज के पवित्र दिन बस आप श्री के चरण कमल में भक्ति भाव भीगी भावांजलि अर्पण करते हैं। राजकोट में स्वानुभव रस झरती धारा प्रवाहित कर वैशाख शुक्ल नवमी के दिन श्री जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त लाठी की ओर विहार करते हैं और ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी के दिन लाठी में मंगल पदार्पण करते हैं। प्रतिष्ठा मंडप मुक्ति नगर में विधि अध्यक्ष महावीर प्रभु को विराजमान करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी से समवसरण विधान पूजा द्वारा महोत्सव की उत्साह भरी शुरुआत होती है। विधि नायक श्री शांतिनाथ भगवान हैं, जबकि मूल नायक श्री सीमंधर प्रभु हैं। महोत्सव के दौरान प्रवचन सार की गाथा 194 पर प्रवचन होते हैं। आ जाई शुद्धात्मा बनी जावे परम निज आत्मने, साकार आकार होती मोग्रंथि क्षय करे। और दीक्षा कल्याणक प्रसंग में तो वैराग्य की बाढ़ आती है। अंतर का वैराग्य गुरुवाणी में उछल जाता है और उसमें श्रोता सराबोर हो जाते हैं। अहो, एक चिदानंदी भगवान आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भाव को मन मंदिर में नहीं लाऊं। एक चैतन्य देव को ही ध्येय रूप बनाकर उसके ध्यान की लीनता से आनंद गंध स्वभाव की रमणता में मैं कब पूर्ण हूँ। अकेले चैतन्य स्वभाव का ही आश्रय करके केवल ज्ञान प्रकट करना वह तीर्थंकरों के कुल की टेक है। अनंत तीर्थंकर जिस पंथ में विचरे उसी पंथ में चलने वाले हम हैं। मैं चिदानंद निधि हूँ और समस्त संसार अनित्य है। मेरा आनंद कंद स्वभाव ही मुझे शरण है, जगत में अन्य कोई शरण नहीं। ऐसी भावना भाकर तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते होंगे वह काल और प्रसंग कैसा होगा। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुत पंचमी के पवित्र पर्व पर गुरुवर्य महानिर्मल भाव से मंगलमय जिन बिंब प्रतिष्ठा करते हैं, इस प्रतिष्ठा महोत्सव में एक ओर जिन भक्ति उछलती थी तो दूसरी ओर गुरुदेव श्री के प्रवचनों में अध्यात्म का शांत रस बहता था। इस प्रकार भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत सुमेल हुआ था। गुरुवर के पुनीत प्रताप से और बलवान प्रभावना योग से हजारों वर्ष के बाद फिर से सौराष्ट्र में जिन शासन की स्थापना हो रही है, जैन धर्म का ध्वज उन्नत रूप से लहरा रहा है। भक्त भावना भाते हैं। गुरुवर के मंगल कर कमलों से ऐसे उत्तम कार्य हजारों बार हों और जिनेन्द्र धर्म चक्र सर्वत्र सर्वदा सर्वथा प्रवर्तो। प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्ण करके ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन स्वरूप विहारी गुरुदेव श्री लाठी से प्रस्थान करते हैं और ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगभग 4.25 महीने का सौराष्ट्र विहार करके पुनः स्वर्णपुरी पधारते हैं। यहाँ पधारकर समय सारजी के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और प्रवचन सारजी के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पर प्रवचन प्रदान करके अध्यात्म वर्षा बरसाते हैं। सभी जीव सही तत्व समझकर सुखी हों, ऐसी करुणा गुरुवर के हृदय में उछलती थी, इसलिए यह विहार हुआ है। भिन्न भिन्न गांव, जाति रीति रिवाज वाले जीवों को एक सूत्र में बांधना कठिन है, तथापि विहार के दौरान चमत्कारी और अतिशयता वाली वाणी से यह कार्य सहज रूप से हो गया। सभी तत्व अभ्यास में लग गए। इस प्रकार जिस वर्ष में विंचिया और लाठी में वीतराग मार्ग प्रभावक पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं हुई वह विक्रम संवत 2005 का वर्ष पूर्ण होता है। कल्याण मूर्ति सद्गुरुदेव श्री का प्रभावना उदय जगत का कल्याण करो।